ध्यान देते हैं। चेहरा चमकाना सबको अच्छा लगता है, बाल चमकते खूबसूरत हैं बहुत अच्छा लगता है, बट वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपकी ओवरऑल स्किन, आपको अपने बॉडी की भी उतनी ही केयर करनी जितना आप अपने चेहरे की और बालों की आप लोग केयर करते हैं। तो जो आज का सेशन है, वो मैंने जो बनाया है, जो प्रेजेंटेशन है, वो हमारे बॉडी केयर के प्रोडक्ट के बारे में है। और मैं ये जरूर बोलूंगी कि आप खुद भी यूज करें और इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिकमेंडेशन भी दें। क्या होता है कि जब वो चीज हम खुद ही नहीं यूज कर रहे हैं तो हम औरों को भी रिकमेंडेशन नहीं देते हैं। आप कोई चीज, ये जो बिजनेस है वो हमेशा आपका 3 R पे डिपेंड करता है। यू हैव टू रिटेल प्रोडक्ट, यू हैव टू रिक्रूट पीपल, एंड यू हैव टू रिटेन पीपल। तो जितने ज्यादा लोगों को आप रिकमेंडेशन देंगे, जितने ज्यादा लोगों का आप प्रोडक्ट की शेयरिंग करेंगे, उतना अच्छा आप इनकम कमाएंगे, रिटेल प्रॉफिट भी कमाएंगे, टीम भी आपकी बढ़ेगी, सो ओवरऑल आपको बेनिफिट मिलता है। तो जब स्किन केयर की बात करते हैं, तो जब BLCC वेल साइंस है वो बेहतर क्यों है? देखिए, आप सुनिए सबकी कि कौन कौन से प्रोडक्ट मार्केट में है, पर आपके पास ये जरूर आपके बारे में, आपके खुद के प्रोडक्ट के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए कि मैं क्यों बेहतर, मेरे पास ऐसा क्या है जो मार्केट में अवेलेबल किसी भी बॉडी केयर की रेंज से बेटर है। तो चलिए मैं आपके साथ प्रेजेंटेशन शेयर करती हूँ। मुझे बताइएगा अगर आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा है तो। गोपाल जी बता दीजिए, गोपाल जी आया अभी नजर? अभी नहीं आया मैम। नो, इज इट कमिंग? आ रहा है अभी? यस मैम। ओके, सो BLCC वेल साइंस आपको बहुत अच्छी स्किन केयर की रेंज दे रहा है। जब हम BLCC वेल साइंस की पर्सनल केयर प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, पॉली हर्बल एक्सट्रैक्ट से फॉर्मुलेट किया गया है, बोटैनिकल हर्ब्स का इस्तेमाल किया गया है, हर प्रकार के हार्मफुल और बैड केमिकल से इसको कम्प्लीटली फ्री रखा गया है, कम्प्लीटली इसको दूर रखा गया है। ISO सर्टिफाइड कंपनी है, GMP सर्टिफिकेशन है। जब हम अपने कोई भी उत्पाद का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं। अगर हम कोई अपना थर्ड पार्टी भी अपना प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चर करवाते हैं, सो मेक श्योर करते हैं उनके पास सारे ISO के सर्टिफिकेशन होना चाहिए, उनका जो प्रोडक्ट है वो केमिकल एंड पैराबेन फ्री जो हमारे लिए मैन्युफैक्चर करेंगे, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली GMP सर्टिफाइड होना बहुत जरूरी है। बेटर एंड हेल्दी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को फॉलो करता है वो, अपना वो आपका फैक्ट्री की नहीं। जब हम अगेन BLCC की बात करते हैं, हमारा जो पूरा का पूरा रेंज है, चाहे वो हेल्थ केयर है चाहे वो पर्सनल केयर है, वो कुछ पद्धतियों को फॉलो करता है, वो कुछ एक प्रोसेस को फॉलो करता है। वो प्रोसेस क्या है? ये हमारे कुछ 5-6 मेजर पॉइंट्स हैं जिनको मैं कहती हूँ आपके फिंगर टिप्स पे आपको याद होना चाहिए। ये आपकी कंपनी के प्रोडक्ट का प्रोफाइल है। एक होता है कंपनी का प्रोफाइल, एक होता है आपके प्रोडक्ट का प्रोफाइल कि इसका बेस क्या है, इसके अंदर क्या बेहतर है। सबसे पहले जितना भी हम आपके लिए स्किन केयर बना रहे हैं, हेल्थ केयर बना रहे हैं, वो ओरिजिनेट हुआ है हमारे आयुर्वेदा से, जो हमारा 5,000 साल पुराना एक आयुर्वेदिक विज्ञान है। और वो विज्ञान कहता है कि हमारे शरीर को हील करने में, क्योर करने में, बहुत सारी तकलीफों से प्रिवेंट करने की क्षमता होती है हमारे फल, सब्जियों, जड़ी बूटियों में और बहुत सारे पौधों के अंदर ये खूबियां पाई जाती हैं। BLCC वेल साइंस में जो आपके लिए प्रोडक्ट बनाए जाते हैं वो आयुर्वेदा के थ्योरी के ऊपर बेस्ड, जिसको हम कहते हैं आपका नॉलेज बेस्ड ऑन आयुर्वेदा विजडम ऑफ आपका मॉडर्न साइंस। जो मॉडर्न साइंस है, विजडम ऑफ आयुर्वेदा एंड न्यू मॉडर्न टेक्नोलॉजी को हमने इसमें एक साथ इनकॉर्पोरेट किया है। तो न्यू मॉडर्न टेक्नोलॉजी क्या है? मुझे पता है कि अगर मैं चेहरे पे चंदन का इस्तेमाल करती तो कसाव आता है, स्किन में टाइटनिंग आती है, स्किन के अंदर मेरा जो होता है आपका जो स्किन का चमक है वो बेहतर होता है। अगर मैं इसके अंदर हल्दी डाल दूँ तो इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी आ जाएगी, इसी के अंदर अगर मैं कुछ अनार का सत्वा डाल दूँ तो शायद मेरे चेहरे में ब्राइटनिंग ज्यादा हो जाएगी, केसर डाल देंगे तो कॉम्प्लेक्शन बेटर हो जाएगा। तो जब दो या दो से ज्यादा हर्ब्स की मिक्सिंग की जाती है, उस पद्धति को, उस प्रणाली को हम लोग पॉली हर्बल टेक्नोलॉजी कहते हैं। और जब हम हेल्थ केयर की बात करते हैं, तो हमारा जितना भी हेल्थ केयर है वो ऑर्गन स्पेसिफिक है, चाहे वो आपके लंग्स के लिए है, देखिए अभी आपका रेस्पिरेटरी के ऊपर ऑफर चल रहा है, ओमेगा के ऊपर ऑफर चल रहा है, तो हमारे ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट है। आपका गैस्ट्रो केयर है जो आपको गैस्ट्रिक ट्रबल से दूर करता है, लिव हेल्थ तो जो लिवर को सपोर्ट करता है, तो एक ऑर्गन स्पेसिफिक फॉर्मुलेशन भी हमने आपके लिए बनाया है। पर जो मैं आज बात करूंगी, मैं आपसे बात करूंगी मोर ऑफ पर्सनल केयर। जब हम आपके लिए कोई भी उत्पाद बनाते हैं, उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी का हम यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं AIM टेक्नोलॉजी, जिसको हम बोलते हैं एक्टिव आइडेंटिफाइबल मार्कर्स।
अब ये क्या होते हैं, हम जो कोई भी उत्पाद का निर्माण करते हैं उसके अंदर हम पाउडर बेस का लेके एक्सट्रैक्ट बेस का इस्तेमाल करते हैं। एक्सट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि जो उसकी आपके रिजल्ट देने की क्षमता है और उसका ओवरऑल रिजल्ट आपकी स्किन या आपकी बॉडी पे आएगा, वो क्षमता उसकी बढ़ जाती है, उसकी एफिकेसी बढ़ जाती है। तो जैसे कि हम टर्मरिक का सेवन करते हैं, टर्मरिक उटर में भी लगाया जाता है, पर टर्मरिक के अंदर से अगर हम टेनिन निकालते हैं, इसके अंदर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, वो आपके टेनिन के अंदर होती है। तो हम एक्सट्रैक्ट को निकाल के पुल करके जो आपको प्रोडक्ट बना के देते हैं, उस टेक्नोलॉजी को एआईएम टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो हर एक आता है, जैसे आपके आमला के अंदर टेनिन है, आपका जब हम बात करते हैं ब्रह्मी के अंदर पेकोसाइट्स है, तो उनको निकाल के एक्सट्रैक्ट को निकाल के जब हम आपको देते हैं, इसीलिए जो आपके शरीर पे आपके जब न्यूट्रास्यूटिकल खाते हैं तो अच्छा रिजल्ट आता है, आप हमारे पर्सनल केयर यूज करते हैं तो भी आपकी स्किन और हेयर में आपको बहुत जल्दी अच्छे रिजल्ट एक्सपीरियंस होते हैं। हम जब भी कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसमें कितने अनुपात में, कितनी मात्रा में एक एक पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट की क्वांटिटी जाएगी, वो तो एक्सटर्नलाइज स्ट्रेंथ का हम उसमें इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, हम एक अच्छी मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, एक अच्छी पद्धति का इस्तेमाल करते हैं, जब हम मेक श्योर करते हैं कि जो आपका प्रोडक्ट मिलने वाला है वो एक अच्छे प्रोसेस से निकला है और हर प्रकार के पैराबेन या आपका जिसको हम कहते हैं सल्फेट या कोई भी आपके हार्मफुल केमिकल है, चाहे वो आपका अल्कोहल है, चाहे वो उसके अंदर किसी भी तरह के केमिकल एक्सट्रैक्ट्स हैं या डाइज हैं, इन सब चीजों से हम अपने स्किन केयर को फ्री रखते हैं। और जो आपका ईटेबल, हमारे जो खाने वाले हमारे न्यूट्रास्यूटिकल्स है, वो एफएसएसआई अप्रूव्ड है। हमारा पर्सनल केयर का जो प्रोडक्ट है वो कॉस्मेटोलॉजी द्वारा अप्रूव्ड है, आयुर्वेदा प्रॉपर्टी द्वारा अप्रूव्ड है, और हमारी जितनी भी रेंज है वो आपको एक बेहतरीन एक्सपीरियंस देती है, केमिकल फ्री बेनिफिट्स आपको देती है। सो जो आज का रेंज है वो थोड़ा सा बॉडी केयर के ऊपर है, राइट? अबाउट योर स्किन, अबाउट योर ओवरऑल स्किन, आपको पता है हमारा जो पूरा शरीर होता है, सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन क्या है हमारी बॉडी का, इज आवर स्किन, जो पूरे एक शरीर के ऊपर एक जाल की तरह बिछी हुई है। इसको हाइड्रेट रखना, इसको क्लीन रखना बहुत जरूरी है। एक बहुत शानदार प्रोडक्ट हमने आपके लिए लॉन्च किया है एंड आई एम श्योर आप में से काफी सारे लोगों ने इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल भी किया होगा। इसका नाम है बॉडी स्क्रब। अब बॉडी स्क्रब काम क्या करता है? बॉडी स्क्रब का बेसिकली वर्क होता है, ये आपके स्किन के डेड सरफेस को रिमूव करता है, टैनिंग को रिमूव करता है, स्किन को जेंटली एक्सफोलिएट करता है और आपकी डेड स्किन को रिमूव करके स्किन को रिन्यूअल देने में मदद करता है। ये आपके कोई भी स्किन के ऊपर अगर आपके एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स डेवलप हो रहे हैं, या आपके स्किन में एक्ने हो रहे हैं, आपके स्किन में रैशेस पड़ रहे हैं, आपके स्किन में ड्राइनेस ज्यादा आ रही है, या स्किन अनइवन टोन हो रही है, या टैनिंग के इम्पैक्ट है, उस सब को दूर करने में मदद करता है। अब आप ये देखिए, जो आपका बॉडी स्क्रब भी बनाया है उसके अंदर 10% लैक्टिक एसिड डाला गया है। लैक्टिक एसिड जो होता है वो आपको स्किन को प्यूरिफाई करने के साथ साथ ब्राइटनिंग करने में आपकी मदद करता है। इसके अंदर मिल्क आपके वो होते हैं ट्रेसेस, ये आपकी स्किन को ब्राइटन अप करने में मदद करता है। नियासिनामाइड आपकी स्किन को सूथ करता है, मॉइस्चराइज करता है। हाइलुरोनिक एसिड आपके स्किन के बाउंस बैक करने में, आपकी स्किन को बाउंसी बनाने में और स्किन के मॉइस्चर को रिटेन करने में मदद करता है। लेवेंडर ऑयल स्किन के एलर्जीज को दूर करता है, कामनेस प्रदान करता है और स्किन को रिलैक्सिंग प्रॉपर्टी प्रदान करता है, साथ में ब्राइटनेस भी देता है। रोजमेरी के अंदर एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है, हीलिंग प्रॉपर्टी होती है, करेक्शन प्रॉपर्टी होती है, जो ओवरऑल आपकी स्किन को करेक्ट करने में बहुत मदद करती है। विटामिन ई स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है, आपकी स्किन को एक अच्छी हम कहेंगे आपकी स्किन के रिन्यूअल सिस्टम को भी फास्टन अप करता है, साथ में स्किन को भी ब्राइटन अप करता है। तो क्या करते हैं, क्या क्या बेनिफिट है, जब आप एक अच्छे एक्सफोलिएटर का इस्तेमाल करते हैं लगातार, मैं ये कहती हूँ कि आपको रोज ये इस्तेमाल नहीं करना है, बॉडी स्क्रब आप हफ्ते में 2 से 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये महिलाओं और पुरुषों के लिए इक्वली, हमारे जितने भी प्रोडक्ट है वो यूनिसेक्स प्रोडक्ट है। और जब आप एक्सफोलिएट करते हैं ना अपने स्किन को, तो अपने स्किन के डेड सरफेस को निकाल के स्किन को आप प्यूरिफाई एंड डिटॉक्सिफाई करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि हम कुछ खाते हैं, हम मैक्सोरेक लेते हैं, तो अपने हम अपने बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी हम डालते हैं ताकि हमारे बॉडी के अंदर जो भी टॉक्सिन्स है वो रिमूव हो जाए। ऐसे जो हमारी बॉडी के टॉक्सिन्स को अगर रिमूव करना है उसके लिए हम बॉडी स्क्रब का इस्तेमाल करते हैं, जो हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को दूर करता है। तो पहले तो ये स्किन को अच्छे
से एक्सफोलिएट करता है, ये डेड सेल को रिमूव करता है, न्यू स्किन को डेवलप होने में आपकी मदद करता है, स्किन को डीपली नरिश एंड मॉइस्चराइज करता है, ये आपकी स्किन को स्मूथर बनाता है, इनग्रो हेयर जो आपके आप बहुत छोटे छोटे बाल जो जल्दी जल्दी डेवलप होते हैं, इनग्रो हेयर को दोबारा उसको बनने में उसके दोबारा प्रोड्यूस होने में उसको रोकता है आपके हाथों में, वो आपके बालों का जो जल्दी जल्दी अगर जब लोगों के हाथों में अगर स्किन के अंदर बाल आ जाते हैं तो उसको दूर दूर करने में ये मदद करता है, इसका रिडक्शन करता है, उसको स्लो डाउन करता है। सबसे इंपॉर्टेंटली आपकी स्किन में हाइड्रेशन को बूस्ट करता है, ये आपके स्किन को प्लम्पी बनाता है, स्किन के वाटर टेंशन को आपके जो स्किन के अंदर का जो मॉइस्चर को टेक करने में मदद करता है, ये टैन को रिमूव करता है, और इसके बाद स्क्रब की जो सबसे अच्छी खूबी है जब आप इसको अच्छे से एक्सफोलिएट अपनी स्किन को करते हैं तो वो आपकी स्किन को थोड़ा सा ओपन अप करता है, रिसेप्टिव बनाता है, रिसेप्टिव का मतलब है ये आपकी स्किन में जो भी आप प्रोडक्ट उसके बाद अप्लाई करेंगे उसको डीपली पेनिट्रेट करके आपकी स्किन को हाइड्रेट करने में मदद करेगी। तो इसका इस्तेमाल कैसे करना है हम आपको ये भी बता देते हैं। तो कुछ लोग पूछ रहे थे कि मैं बॉडी स्क्रब तो हमें समझ नहीं आता, हम लगाते हैं कहीं भी फेस, देखिए फेस पे मत लगाइए, फेस के लिए अलग स्क्रब है हमारा, आप इसको बॉडी में ही इस्तेमाल करिए, आप इसको अपने बैक में, अपने हाथों में, अपने एल्बो में, अपने फीट में, सब जगह आप इसको अच्छे से अंडर आर्म्स में अच्छे से आप इसको सर्कुलेटिंग मूवमेंट में आप कर सकते हैं। ल्यूकवॉर्म वाटर का मतलब होता है जब हल्के गुनगुने पानी, अभी नॉर्मल टेम्परेचर भी ऐसा हो गया है कि आपका जो वाटर है बहुत ठंडा नहीं बहुत गर्म नहीं, तो नॉर्मल टेम्परेचर के वाटर से आप इसको अच्छे से पहले स्क्रब को बॉडी को वेट करिए, सर्कुलेटिंग मूवमेंट में अच्छे से आप इसको स्प्रेड आउट करिए, देन आप इसको वाटर से रिंस ऑफ कर दीजिए, इसको अच्छे से निकाल दीजिए और अपनी स्किन को पैट ड्राई करिए। एक चीज मेक श्योर करिए कि जब आप बॉडी स्क्रब का इस्तेमाल करते हैं उसके बाद आपको अपनी स्किन में एक अच्छी मॉइस्चराइजिंग जरूर देनी है, आप देखेंगे आपकी स्किन से टायर्डनेस भी निकलेगी, भी निकलेगी, स्किन रिफ्रेश भी हो जाएगी, स्किन ब्राइट भी लगेगी और स्किन के अंदर एक अच्छा मॉइस्चर बूस्ट भी आपको नजर आएगा। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। राइट, आपको ये मैं बता दूं अगर आप बॉडी स्क्रब का इस्तेमाल करते हैं इसके अंदर एंटी एजिंग प्रॉपर्टी भी होती है, ये आपकी स्किन के एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करता है, आपकी स्किन में जो जल्दी झुर्रियां पड़ जाती है, स्किन आपकी अगर देखे थोड़ा सा सिकुड़ सी जाती है उसको उसको होने से रोकता है, बिकॉज ये डेड सरफेस को हटा के आपकी न्यू स्किन को डेवलप करने में मदद करता है। तो है ना शानदार प्रोडक्ट। अब मैं देखना चाहती हूँ कितने लोगों ने, मैं इस मीटिंग के बाद देखू कितने लोगों ने इसको लिया है। इट इज माई पर्सनल रिकमेंडेशन कि एक बार आप बॉडी स्क्रब जरूर लीजिए, जब आप उसको लेंगे इसका जिस तरह का इसका टेक्सचर है, जिस तरह की इसकी फ्रेग्रेंस है, सारे नेचुरल फ्रेग्रेंस डाले हैं, पैराबिन फ्री है, सल्फेट फ्री है, नो आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस इन इट, जितने इंग्रेडिएंट इसके अंदर है उन सबका नेचुरल फ्रेग्रेंस आप एक्सपीरियंस करते हैं वाइल एप्लीकेटिंग इट, मतलब जब आप इसको यूज करते हैं इसका एप्लीकेशन करते हैं। अब बात करेंगे हमारे शावर जेल्स की। नॉर्मली मैं हमेशा मीटिंग में कहती हूँ कि आई एम अ ग्रेट लवर ऑफ शावर जेल, आई डोंट बिलीव इन टू मच ऑफ सोप, आई एम नॉट अ सोप पर्सन एट ऑल, मुझे सोप ज्यादा पसंद नहीं आते हैं, ऐसा नहीं है सोप गलत होते हैं, सोप भी अच्छे होते हैं, बट आपको ये बताऊं जब भी कोई लिक्विड फॉर्म में हमारे पास हम बॉडी को क्लींस करते हैं, कोई भी लिक्विड फॉर्म में होता है तो उसका पेनिट्रेशन थोड़ा बेटर होता है। दूसरी चीज जो आपके बार्स होते हैं वो आपकी स्किन को अच्छे से क्लीन करते हैं, साफ करते हैं, पर अगर मॉइस्चर रिटेन की बात करें उसमें शावर जेल आपकी स्किन के नेचुरल ऑयल्स को, नेचुरल मॉइस्चराइजर को रिटेन करने में, उसको लॉक करने में, ब्लॉक करने में आपकी स्किन की मदद करते हैं, अच्छे से डीपली पेनिट्रेट होते हैं तो स्किन के टर्न्स को, जम को दूर करने में मदद करते हैं। विल सीसी वेलसाइंस आपको दो वेरिएंट देता है शावर जेल के, एक है हब इनफ्यूज शावर जेल और दूसरा है आपका स्ट्रॉबेरी शावर जेल। जब मैं स्ट्रॉबेरी हब इनफ्यूज शावर जेल की बात करती हूँ, बहुत ही माइल्ड शावर जेल है ये, ऑल स्किन टाइप के लिए सुटेबल है, बहुत ही हर्बल आयुर्वेदिक फ्रेग्रेंस आपको इसके अंदर मिलेगी, बहुत अच्छी मात्रा में इसके अंदर मॉइस्चराइजर है, आपकी स्किन को नरिश करता है, हाइड्रेट करता है, स्किन को कंडीशनिंग करता है और ये आपकी स्किन को रिवाइटलाइज भी करता है। इसके अंदर जो रिफ्रेशिंग और एनर्जाइजिंग प्रॉपर्टीज है, इसके अंदर जिस प्रकार के हमने प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया है, जो इंग्रेडिएंट हमने इसके अंदर दिए हैं, जो आपकी स्किन को क्लींस तो करता है बट एक अच्छी फ्रेग्रेंस के साथ आपके मूड को एनहांस करने में, आपके ओवरऑल स्किन को भी एनहांस करने में ये मदद करता है। बहुत ही नाइस अच्छी ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंसेस की आपको आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इसके अंदर ब्रह्मी के अंदर अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी पाई जाती है, प्लस एंटी स्ट्रेस प्रॉपर्टी पाई जाती है। आपको पता है ब्रह्मी आपकी स्किन से एंजाइटी को, स्ट्रेस को, फटीग को
थकान को दूर मत करने में ब्रह्मी बहुत सक्षम तरीके से काम करता है, आपकी स्किन को इनहांस करता है, ब्राइटन अप करता है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है, क्लींजिंग अच्छी करता है। लेमन, लेमन के अंदर आपकी ब्लीचिंग एजेंट्स पाए जाते हैं जो आपकी स्किन को नेचुरली ब्राइटन अप करता है, प्लस ये आपकी स्किन में जो टैनिंग के प्रभाव होते हैं उसको भी दूर करता है, स्किन को प्योरीफाई और रिलैक्स करने में मदद करता है। एलोवेरा आपकी स्किन के मॉइस्चर को रिटेन करने में मदद करता है। कैरेट के अंदर बीटा कैरेटिन, विटामिन के, विटामिन ए और विटामिन सी अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो स्किन के टैनिंग के प्रभाव को दूर करता है। स्किन के अंदर आपके ब्लड, आपका जो जब स्किन साफ करते हैं तो स्किन के सेल रिन्यूअल प्रोसेस में फास्टन अप करता है, प्लस बिकॉज ऑफ बीटा कैरेटिन एंड विटामिन ए ये स्किन के कोलाजन को बूस्ट करने में भी मदद करता है और स्किन को यंग एंड ब्यूटीफुल बनाने में आपकी सहायता। अब लेना कितना है? अबाउट 5 है। पहले कितना होता है? एक सिक्के के बराबर, एक कॉइन होता है ना, आप 1-2 रुपए का 1 रुपए का कॉइन देखेंगे, उतना सिक्के के बराबर आपको एक क्वांटिटी लेनी है, अपने हाथ में लेना है, या आप इसको ले सकते हैं आप अपना लूफा में। लूफा लेते हैं, आप अच्छे से लूफा को साफ करें। जब भी आप लूफा का इस्तेमाल करते हैं, यूज करने से पहले इसको अच्छे से क्लीन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके अंदर कई बार बैक्टीरिया ट्रैप्स आ जाते हैं, उसको अच्छे से क्लीन करिए तब आप लूफा का इस्तेमाल करिए। लूफा को ये भी आप अपने 5 ग्राम के आसपास डाल के उसको सर्कुलेटिंग मूवमेंट में पूरी बॉडी में अच्छे से स्प्रेड कर दीजिए। फिर आप जब अच्छे से आप स्प्रेड कर देंगे, स्किन में अच्छे से मॉइस्चराइजिंग आ जाएगी, तो आप नॉर्मल वाटर से इसको रिंस ऑफ कर दीजिए। आपको मैं बताऊंगी, जब हम जी लोग कहते हैं कि मैम हमने शावर जेल लगाया बट उसके बाद हमें ना चिकना चिकना लग रहा था, मैं ना शरीर से निकला नहीं, तो मैं आपको बता दूं, जितना आप ये 5 ग्राम कॉइन के, जितना ज्यादा 5 ग्राम जो आप लेते हैं थोड़ी सी क्वांटिटी शावर जेल की, ये एक्चुअली आपकी 1 बकेट ऑफ वाटर से आपकी स्किन से अच्छे से रिंस ऑफ हो जाता है, रिमूव हो जाता है, बिकॉज ऑफ गुड क्वांटिटी ऑफ एलोवेरा कैरेटिन ब्रह्मी एंड अ गुड एक्सट्रैक्ट ऑफ लेमन एंड हाई अच्छी क्वालिटी ऑफ मॉइस्चराइजर, वो आपकी स्किन को इंस्टेंट हाइड्रेशन प्रदान करता है, जो आपको लगता है कि आपकी स्किन में लचीलापन है, आपकी स्किन थोड़ी सी चिकनी लग रही है, बिकॉज ऑफ इंस्टेंट मॉइस्चराइजर बूस्ट आपकी स्किन को जो प्राप्त होता है। अब ये तो हो गया आपकी हर्बल फ्रेग्रेंस। दूसरी आपकी फ्रेग्रेंस है स्ट्रॉबेरी की, एक ये बहुत बेहतरीन फ्रेग्रेंस है, बड़ी फ्रूटी फ्रेग्रेंस है, बच्चों को बहुत अच्छी लगती है। आप ये कोई भी छोटे बच्चों को भी, 5-6 साल से बड़े बच्चों को भी आप ये शावर जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। बट हम नॉर्मली शावर जेल क्यों मना करते हैं? मुझे बहुत लोग बोलते हैं मैं बच्चों के लिए क्यों मना करते हैं। नॉर्मली जब बच्चों को नहलाते हैं ना, हम हेड टू बिल्कुल अच्छे से टो तक एक ही चीज का इस्तेमाल करते हैं, तो कई बार क्या होता है, बिकॉज ऑफ इसके अंदर जो इंग्रीडियंट है उनकी आंखों में प्रॉब्लम कर सकते हैं, आंखों में जलन हो सकती है। इस क्या देखोगे बच्चों को जब पटाते हैं तो नो टेयर फॉर्मूला आता है, इसके अंदर आंसू ना आए या चेहरे पे ना लगे, ये स्पेशली बॉडी के लिए हम लोग बनाए, जैसे बॉडी में इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप बच्चों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही जेंटल एंड माइल्ड फॉर्मूला है ये, आपके बॉडी को बहुत एक्टिवली क्लीन करता है, नरिश करता है, हाइड्रेट करता है, डीपली पेनिट्रेट करता होता है बॉडी के अंदर, ये भी आपके स्किन को मॉइस्चराइज करता है और आपको एक अच्छी रिफ्रेशिंग फीलिंग प्रदान करता है। अब स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी के अंदर बहुत अच्छी है, इसके अंदर लेमन था, इसके अंदर स्ट्रॉबेरी है, वेरी हाई कंटेंट ऑफ विटामिन सी, जो आपकी स्किन को बूस्ट, आपकी स्किन को शाइन प्रदान करने में और आपकी स्किन की टाइटनेस को दूर करने में मदद करता है। देन इसके अंदर वाटरमेलन, वाटरमेलन के अंदर होता है लिकोपेन भी होता है, जो लिकोपेन होता है वो आपकी स्किन की यंगनेस को बढ़ाने में मदद करता है और आपकी स्किन को लंबे समय तक ब्यूटीफुल एंड ब्राइट बनाए रखता है। एलोवेरा एक्सट्रैक्ट अगेन, जो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, हाइड्रेट करता है और आपकी स्किन को हील भी करता है। जो तरीका आपका हब एंड फिश शावर जेल के यूज करने का है वही ये भी है। आपको 2 मिनट इसलिए दिए हैं कि कुछ लोगों को हर्बल फ्रेग्रेंस ज्यादा ब्यूटी आपका फ्लोरल या फ्रूटी फ्रेग्रेंस अच्छी लगती है, इसलिए हमने 2 वेरियंट इसके अंदर रखे हैं, सो दैट जिसको, बिकॉज ये एक बेडिंग प्रोडक्ट ऐसा है कि लोग अपनी चॉइस से लेते हैं, या तो फ्रूटी फ्रेग्रेंस लेते हैं या हर्बल फ्रेग्रेंस लेते हैं। सो पर्पसली हमने इसके लिए 2 आपके लिए हमने रखे हैं, दोनों का ऑलमोस्ट वर्क सिमिलर है, दोनों के ऑलमोस्ट बेनिफिट बराबर है, पर 2 यूनिट हमने इसलिए रखे, इसको जो फ्रेग्रेंस प्लीजिंग लगती है वो उसके हिसाब से इसको चूज कर सकता है। अब हम बात करेंगे बार्स की। जब हम लोगों ने वीएलसीसी वेल साइंस में अपने बार्स बनाए, जो हम सोप बना रहे थे, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट दिमाग पे हमारे बात थी, बिकॉज हम एक थ्योरी पे काम करते हैं, पैराबेन एंड सल्फेट फ्री, जो हमने शावर जेल के अंदर भी फॉलो किया है, जो हमने अपने बॉडी स्क्रब के अंदर भी किया है। जब सोप की बात आती है, सोप का जो लंबे पैरिशेबल लाइफ होती है, जो सोप होता है उसके पैरिशेबल लाइफ बढ़ाने के लिए उसके अंदर पैराबेन का इस्तेमाल होता है, पर जो हैंडमेड सोप होते हैं विद गुड क्वांटिटी एंड गुड क्वालिटी ऑफ इंग्रेडिएंट, तो वो उसकी पैरिशेबल लाइफ को ऑटोमेटिकली बड़ा करते हैं, अच्छा बनाते हैं। सो वीएलसीसी वेल साइंस आपको देता है 3 बार का एक बहुत ही जेंटल, जो आपकी स्किन में हो, एक ग्लिसरीन सोप का पूरा सेट,
अब इसमें तीन वेरिएंट हैं जो हम ये वेरिएंट आपके लिए बनाते हैं। सबसे पहले तो ये आपका सीनियर पीएच बैलेंस को मेंटेन करने में मदद करता है बिकॉज ऑफ हाई कंटेंट ऑफ ग्लिसरीन इन इट। साथ में ये आपके सिर को सॉफ्टन अप भी बनाता है, हाइड्रेट भी करता है, नेचुरल मॉइस्चराइजर भी देता है। और इसके अंदर हमने जो भी सोप बनाए हैं सबको पैराबेन एंड सल्फेट से फ्री रखता है। तो इट इज वेरी गुड प्रोडक्ट जो आपके फैमिली का हर एक मेंबर इसको इस्तेमाल कर सकता है, बड़े से लेकर छोटा। अब तीन वेरिएंट है इसके अंदर, एक कप का केस आता है उसमें तीन बार आती है। पहला है आपका नीम एंड एलोवेरा। सो नीम क्या है? नीम हैज एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी, या आपके सूचन रोधक प्रॉपर्टी इसके अंदर होती है, या आपके स्किन की ड्राइनेस से, इचीनेस से, रेडनेस से, एक्ने से, या हर प्रकार के फंगल इन्फेक्शन से आपकी स्किन का बचाव करता है। एलोवेरा क्या करता है? आपके स्किन के लेवल, मॉइस्चराइजर के लेवल को ऑप्टिमम रखने में, ऑप्टिमम का मतलब होता है बढ़ाए रखने में, बरकरार रखने में मदद करता है। अब हनी, हनी के अंदर होती है आपके एंटी बैक्टीरियल, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी और ह्यूमेक्टेंट प्रॉपर्टी। ह्यूमेक्टेंट प्रॉपर्टी क्या होती है? जिसको हम बोलते हैं आपके जो आपके इसके हेप्टा प्रोटेक्टेंट एक्टिविटीज इसके अंदर होती है, जो आपके स्किन को बहुत सारे एलर्जीज से दूर रखती है, प्लस आपके स्किन को ब्राइटन अप करने में मदद करती है, स्किन के ऑयल कंट्रोल को भी मेंटेन करने में मदद करती है। साथ में है लेमन, जिसके अंदर एक अच्छी मात्रा में विटामिन सी का बूस्ट होता है, एंटीऑक्सीडेंट की तरह एक काम करता है, स्किन के एजिंग प्रोसेस को दूर करता है, प्री मेच्योर एजिंग को होने से ये रोकता है, स्किन की एजिंग को स्लो डाउन करता है। अब आता है एक्टिवेटेड चारकोल, जो आपके स्किन की टैनिंग को रिमूव करने में बहुत मदद करता है। चारकोल को वैसे भी एक डस्ट मैग्नेट के रूप में जाना जाता है, और इसका आजकल बहुत प्रकार के स्किन केयर प्रोडक्ट्स के अंदर इस्तेमाल होता है बिकॉज इट्स अ वंडरफुल डस्ट मैग्नेट। तो आपके स्किन की इम्प्योरिटीज, डस्ट, अनक्लॉग पोर्स, जो क्लॉग हो जाते हैं ना आपके पोर्स, उनको अनक्लॉग करता है, स्किन के पोर्स को डीपली आपके स्किन में पेनिट्रेट होकर इम्प्योरिटीज को दूर करता है, स्किन को ब्रीदेबल बनाता है, आपके स्किन को नॉन कॉमेडोजेनिक बेनिफिट देता है, जो पोर्स आपके पोर्स होते हैं उनको ब्लॉक होने से रोकता है चारकोल के इफेक्टिव बेनिफिट की वजह से, और ये आपकी स्किन की डेड सरफेस को भी दूर करता है, आपकी स्किन को स्मूथ एंड इवन टोन बनाए रखने में आपकी सहायता करता है। तो ये है आपका थ्री सोप का पूरा केस। अब मैंने आपको बता दिया नीम एलोवेरा, ठीक है, नीम एलोवेरा का एक बार है, एक हनी एंड लेमन का, एक्टिवेटेड चारकोल है। इसके अलावा जब बीएलसीसी वेलसाइन सोप बना रहा है तो उसने ये तीन तो सेगमेंट्स बनाए हैं, नीम एंड एलोवेरा, हनी एंड लेमन एंड एक्टिव चारकोल। इन इन मेजर इंग्रेडिएंट के साथ हमने कुछ और इनकॉर्पोरेट किए हैं इंग्रेडिएंट जो आपको स्किन को हाइड्रेट, सूद, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी प्रदान करते हैं। हर एक सोप, तीनों सोप के अंदर, चाहे वो नीम एलोवेरा है, अनियन लेमन एंड एक्टिवेटेड चारकोल, तीन तो वेरिएंट है, इन तीनों के अंदर ये चीजें आपके और मौजूद हैं। एक है कोकोनट ऑयल, जो स्किन की रेडनेस को दूर करता है, इरिटेशन को दूर करता है, स्किन को हाइड्रेट करता है, प्योर करता है। लेमन ग्रास ऑयल, जो अगेन स्किन की इम्प्योरिटीज को दूर करता है, डिटॉक्सिफाई करता है, आपके स्किन क्लीन और रिफ्रेशिंग फील करने में मदद करता है। जोजोबा ऑयल के अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी है, ये स्किन को अगेन डीप मॉइस्चराइज करने में मदद करता है। मिंट के अंदर एक एक्सट्रीमली रिफ्रेशिंग प्रॉपर्टी होती है, जो इमीडिएटली आपकी बॉडी को एनर्जाइज करती है, बूस्ट अप करती है, और आपकी स्किन के एक्ने, ब्लैक हेड्स, इन चीजों को होने से भी रोकती है, और स्किन को प्योरीफाई करती है। ऑलिव ऑयल, अगेन ऑलिव ऑयल रिच इन एंटीऑक्सीडेंट होता है, इसके अंदर बहुत हाई वाइटामिन कंटेंट होता है, जो आपकी स्किन को डीपली मॉइस्चराइज करने में मदद करता है। और वाइटामिन ए, विटामिन ई, जो बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, जो अल्ट्रावायलेट के होने वाले इंपैक्ट को रिड्यूस करता है, और आपकी स्किन को नरिश करने में, प्रोटेक्ट करने में, फ्री रेडिकल्स को रिमूव करने में मदद करता है। तो आप सोचिए, आपके पास है नीम एंड एलोवेरा, नीम एंड एलोवेरा के अंदर उसके अलावा है कोकोनट ऑयल, लेमन ग्रास ऑयल, जोजोबा ऑयल, मिंट है, ऑलिव ऑयल, विटामिन ई ऑयल। तो आप सोचिए कितना बेहतरीन फॉर्मुलेशन है इसके अंदर, मल्टी इंग्रेडिएंट हम नेचुरल प्रॉपर्टीज के द्वारा आप स्किन को क्लीन करने में मदद करते हैं। अगेन पैराबेन एंड सल्फेट फ्री है, ग्लिसरीन आपके बाहर से। अब मैंने आपको बताया था जब आप बॉडी में स्क्रब करते हैं, जब अपनी बॉडी वॉश करते हैं, देखिए आपका पानी के अंदर भी क्लोरीन होता है, तो वो भी कई बार आपके वाटर के, जो आप क्लोरीन के अंदर, जो वाटर के अंदर क्लोरीन होता है, वो आपके स्किन के मॉइस्चर को खींचने में, दूर करने में मदद करता है, आपके स्किन को थोड़ा सा डिहाइड्रेट करता है। बॉडी के अंदर मॉइस्चराइजिंग जो होती है ना, वो एक्चुअली करेक्टिंग थेरेपी होती है, जो आप अपनी बॉडी को हाइड्रेट करते हैं, अपनी बॉडी को नरिश करते हैं, अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, और अपनी बॉडी की प्री मेच्योर एजिंग को होने से भी रोकते हैं। और बीएसएससी वेबसाइट जो आपको एक हाइड्रेटिंग बॉडी लोशन ले देता है, वो 12 मासों है, जिसको हम कहते हैं 12 महीने का मॉइस्चराइजिंग
है, जिसकी ज्यादा ड्राई स्किन है तो उसी कॉर्नर ज्यादा ले सकता है, या इसके साथ हमारी एलोवेरा अश्वगंधा या इंटेंसिव क्रीम को थोड़ा सा मिक्सिंग करके अपनी बॉडी में अप्लाई कर सकता है। अगर बिकॉज समर में सबकी स्किन जो होती है वो नॉर्मल ट्रीट करती है, तो समर में इसके अंदर आपको कुछ नहीं मिलाना है, इसके अंदर इतनी सारी गुडनेस है, इसके अंदर एलोवेरा है, वी जर्म है, अश्वगंधा है, क्यूकुम्बर है, जेरेनियम ऑयल है, लेवेंडर ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, कोको बटर है। एलोवेरा स्किन को क्या करता है, सूथ करता है, रिलैक्स करता है, इचनेस को दूर करता है। वी जर्म सेल रिन्यूअल प्रोसेस को फास्टन अप करता है, आपकी स्किन की यंगनेस बनाने में मदद करता है। अश्वगंधा के अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है जो स्किन को हील भी करता है, रिलैक्स भी करता है। क्यूकुम्बर क्या करता है, आपकी स्किन की वाटर जो आपका स्किन का मॉइस्चर है उसको मेंटेन रखने में मदद करता है, प्लस स्किन को सूथ और रिलैक्स करता है। जेरेनियम ऑयल, जेरेनियम ऑयल जो होता है इसकी एक बहुत ही पिक्यूलर स्मेल होती है, बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस होती है, और ये बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल किया जाता है बिकॉज ऑफ जेरेनियम ऑयल। जेरेनियम ऑयल के अंदर एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी पाई जाती है जो एक्ने को, जर्म्स डेवलपमेंट को, आपके एक्जिमा को, ऐसी प्रॉब्लम्स को दूर करने में जेरेनियम ऑयल बहुत मदद करता है। प्लस जेरेनियम ऑयल की जो फ्रेग्रेंस होती है वो आप एक बहुत ही अच्छी रोज के से खुशबू होती है, इस तरह की फ्रेग्रेंस होती है जो आपके प्रोडक्ट की नेचुरल फ्रेग्रेंस को भी बेहतर बनाने में मदद करती है। बहुत ही वंडरफुल इंग्रेडिएंट है जेरेनियम ऑयल, एक एक्सपेंसिव इंग्रेडिएंट है जो बहुत ही अच्छे रेंजेस के अंदर मौजूद होता है। लेवेंडर ऑयल अगेन आपके स्किन को हील करता है, ब्राइटन अप करता है। ऑलिव ऑयल होता है फुल ऑफ विटामिन के साथ होता है, इसके अंदर अल्ट्रा वायलेट रे से प्रोटेक्ट करने की क्षमता होती है, आपके स्किन के पे प्रोटेक्शन लेयर बनाता है। कोको बटर आपके स्किन को मॉइस्चराइज करता है, हाइड्रेट करता है, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली कोको बटर आपके स्किन की कंडीशनिंग करता है। हम हेयर की कंडीशनिंग करते हैं, ये स्किन की कंडीशनिंग करता है जो स्किन को लंबे समय तक यंगनेस देने में आपकी मदद करता है। सो आप ये देखते हैं कितनी शानदार चीज है, क्या हम ये चीजें शेयर करते हैं। जब तक हम अपनी बेहतर रेंज को लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे, आप इसके ना खुद एक्सपीरियंस ले पाएंगे ना लोगों को बता पाएंगे। अगर आप चाहते हैं आपकी सेल अच्छे से बूस्ट हो तो आपको अपने प्रोडक्ट के बेनिफिट जरूर अच्छे से पता होने चाहिए। देन आता है सन्सक्रीन। अभी तक हमें लगता है कि सनस्क्रीन सिर्फ फेस पे ही लगाते हैं, फेस पे लगाना चाहिए। आपको पता है जितने भी हमारे बॉडी के एक्सपोज पार्ट होते हैं, एक्सपोज पार्ट का मतलब होता है, मैं अक्सर गर्ल्स को देखती हूँ चप्पलें पहनती हैं, ओपन शूज पहनती हैं, इवन मैं पहनती हूँ, तो हमारे आगे से टो ढाकना हो जाते हैं। आप हाफ स्लीव का शर्ट पहनते हैं, पूरा हाफ स्लीव का पहनते हैं, या क्वार्टर स्लीव पहनते हैं, तो आपका जो ये हाथ का जो ये पोर्शन होता है ये ओपन रहता है, ये टैन हो जाता है। तो जब हम स्किन के ऊपर हम क्लींजिंग कर रहे हैं, हम उसको एक्सफोलिएट कर रहे हैं, तो प्रोटेक्शन स्किन को करना भी बहुत जरूरी है। जब स्किन के ऊपर एक अच्छी लेयर लगाते हैं SPF की, तो वो आपकी स्किन को सन डैमेजेस से बचाव करता है और आपकी स्किन को हेल्थी एंड ब्यूटीफुल बनाए रखता है। तो सनस्क्रीन हमारे पास है SPF 30, पर जब बॉडी की बात आती है तो मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप SPF 50 का इस्तेमाल करें, क्योंकि वो ज्यादा लंबा प्रोटेक्शन देता है। SPF 30 के अंदर एडिशनल मॉइस्चराइजर भी है, तो अगर आप मॉइस्चराइजर अप्लाई नहीं कर रहे हैं स्क्रबिंग या क्लिंजिंग के बाद, तो आप डायरेक्टली SPF 30 लगा सकते हैं। इसके अंदर केसर है, एलोवेरा है, मुलेठी है, लिकोरेस, पोमेग्रेनेट है, मलबरी है, कैरेट है, अगेन बीटा कैरोटीन, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन B3 है, ऑलिव ऑयल है, शिया बटर है, जो आपकी स्किन को नेचुरली प्रोटेक्शन प्रदान करता है बिकॉज ऑफ 30 PA++, जिसको हम कहते हैं जापानीज टेक्नोलॉजी, व्हिच आइडेंटिफाई कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी सनस्क्रीन वी हैव। अगेन पैराबिन फ्री है, ये आपके पोर्स को क्लॉग नहीं करेगा, बंद नहीं करेगा, ब्रीदेबल बनाए रखने में मदद करेगा। तो एक्सपोज पार्ट पे लगाना बहुत जरूरी है। जो हमारा SPF 50 PA++ है, इट इज अगेन वन ऑफ माय वेरी फेवरेट प्रोडक्ट। आप अपनी स्किन पे जब भी आप बाहर निकलते हैं एक्सपोज बॉडी पार्ट के ऊपर आप इसका इस्तेमाल जरूर 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 करें। इसके अंदर आपने बायो वाइट कॉम्प्लेक्स डाले जो आपके स्किन को व्हाइट कलर देते हैं। इसके अंदर विटामिन B3 है जो आपके स्किन को हाइड्रेट करता है, विटामिन ई है जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी प्रदान करता है। बिकॉज इसके अंदर हमने बहुत सारी अदर बायो वाइट कॉम्प्लेक्स डाले हैं, फिर हमने स्कुटेलेरिया का एक्स्ट्रा डाला। स्कुटेलेरिया क्या होता है, ये स्किन की ब्राइटन अप को, स्किन की टेक्सचर को वन टोन ब्राइटन अप करने में मदद करता है। व्हाइट मलबरी है जो इसके अंदर नेचुरल आपके सन प्रोटेक्शन एजेंट पाए जाते हैं। सेक्सी फ्रागा है, जो सेक्सी फ्रागा क्या होता है, पहाड़ में उगने वाला एक फूल होता है जो आपकी स्किन के ऊपर एक प्रोटेक्शन लेयर और एक बहुत नेचुरल इसके अंदर आपकी अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करने की क्षमता होती है। ग्रेप एक्सट्रैक्ट जो आपकी स्किन को रिजुवेनेट करता है। विटामिन B3 भी है, विटामिन ई भी है, एंड सन प्रोटेक्शन फैक्टर इसके अंदर है SPF 50 जो लंबे समय तक आपकी स्किन की प्रोटेक्शन करना है। आप करना क्या है,
जब भी आप घर से बाहर निकल रहे हैं आपको सनस्क्रीन अप्लाई करना है। निकलने के तकरीबन तकरीबन 10-15 मिनट पहले आप अपने एक्सपोज बॉडी पार्ट में, फेस से लेकर अपने हाथों में, पैरों में इसको आप अप्लाई करिए। फिर आप निकले तो ये आपके अच्छे से आपके स्किन के ऊपर एक शील्ड की तरह रेडी हो जाता है, आपकी स्किन को प्रोटेक्शन देता है। एंड देन अनदर वन मास्टर प्रोडक्ट जिसके ऊपर हम बहुत कम बात करते हैं वो है हमारा बीएससीसी वेलसाइंस का स्लिमिंग बॉडी ऑयल। सो बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैम ये तो ना स्लिमिंग के लिए काम करता है। नहीं, इस ऑयल को हमने एक मल्टीपर्पस बॉडी जिसे कॉन्ट्यूरिंग ऑयल कहते हैं वो है ये। ये आपके ओवरऑल बॉडी को रिलैक्सेशन देता है, ये आपकी बॉडी के अंदर फैट डिपॉजिट को ज्यादा होने से रोकता है, ये स्ट्रेच मार्क को हटाता है, इसके अंदर एंटी एजिंग प्रॉपर्टी है, ये आपके नेल हेल्थ को बेटर करता है। आपके नेल जल्दी टूट रहे हैं तो कभी भी रात को सोते हुए थोड़ा सा ऑयल लेके अपने नेल्स पे अच्छे से लगा के और अपने नेल्स की पोलाइट मसाज करके आप सोचाइए। आप देखिए लगातार 1 हफ्ते अगर आप नेल पे ऐसा करते हैं जो लोग के हाथ से नेल टूट जाते हैं वो नेल टूटने बंद हो जाते हैं। ये स्ट्रेच मार्क को दूर करने में मदद करता है, ये स्किन के दाग धब्बों को दूर करने में मदद करता है, ये स्किन को रिपेयर करने में मदद करता है, स्किन को ब्राइट स्किन की शाइन को ब्राइटनेस को देने में मदद करता है। अगर आप जैसे कभी जिन लोगों की बहुत ड्राई स्किन है मैं उनको कहती हूँ कि जब वो अपना बॉडी लोशन लगाते हैं उसके अंदर भी एक ड्रॉप इस ऑयल को डाल के अच्छे से मिलके लगा सकते हैं तो बहुत अच्छा नरिशमेंट आपको उसके अंदर मिलता है। अब वीएससीसी वेलसाइंस ने जो ये पावर पैक कॉम्बिनेशन बनाया है इसके अंदर हमने ऑलमोस्ट 24 नेचुरल ऑयल्स आप मार्केट में अवेलेबल किसी भी बॉडी ऑयल से कंपेयर कर लीजिए, शायद 24 तेल किसी अच्छे से अच्छे, इवन कामा जैसी कंपनियां जो बहुत नेचुरल प्रोडक्ट्स के ऊपर बात करती है उनके पास भी 24 तेल एक ही प्रोडक्ट के अंदर हो ऐसा कोई फॉर्मुलेशन नहीं। बहुत जबरदस्त हमारा कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्मूला ये है। इसके अंदर तमोनोल ऑयल है, बोरेज ऑयल है, थाइम है, थाइम क्या होता है आपका अजवाइन का ऑयल है, इवनिंग प्रिमरोज ऑयल है, कैमोमाइल ऑयल है, लेवेंडर है, मरूला है, विटामिन ई है, विटामिन ए है, टी ट्री है, साइप्रस है, लेमन ऑयल है, स्वीट पेनल इवन सौंफ तक का तेल है, जूनिपर ऑयल है, रोजमेरी ऑयल है, कैमेलिया ऑयल है, वीट ग्रास, वीट जम ऑयल है, ग्रेप सीड है, कोकोनट है, आलमंड, सोयाबीन, जोजोबा, ऑलिव ऑयल, एवोकाडो, सनफ्लावर एंड सेसमे। और सेसमे ऑयल जो होता है ना इसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में कैल्शियम भी होता है। कहते हैं ना अपने हाथ पैरों में अच्छे से इसकी मसाज करते हैं तो ये हमारी हड्डियों में ताकत देने में भी मदद करता है। जब भी आप बॉडी मसाज करते हैं आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके बॉडी में स्ट्रेच मार्क है, एक्सेस ड्राइनेस है, रफनेस है, आप इस ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इट्स अ मल्टीपर्पज ऑयल, ये बहुत सारी चीजों में इसके ये भी नहीं है कभी अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई हो रही है तो ये स्किन फॉर्मिंग, आप इस ऑयल के अच्छे से मसाज करिए, मसाज करने के बाद एक ऑयल एक आइस का टुकड़ा लेके फेस पे अच्छे से रब करके फिर आप अपने नॉर्मल फेस वॉश से क्लीन कर लीजिए, आपकी स्किन में एकदम से फर्मनेस आ जाएगी। ये दवा चीन को कंट्रोल करता है, ये जॉइंट को शार्पन अप करने में मदद है, स्किन की पफिनेस को दूर करता है बिकॉज ऑफ लॉट्स ऑफ ऑयल इन इट, ये आपकी स्किन को क्या करता है स्किन को हाइड्रेट करता है, बहुत अच्छी शाइन भी देता है। तो कभी भी वंस इन अ वीक कभी आप इसकी बहुत अच्छी डीप हाइड्रेटिंग आप इसकी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। सो आज बी गुड टू योर स्किन, यू विल वेयर इट एवरी डे फॉर द रेस्ट ऑफ योर